गांवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बढ़ीटोला गांव में उस वक्त तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब सड़क पर नाले का पानी बहाने को लेकर दो पक्ष एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। मामले की सूचना मिलते ही गांवा थाना के पुलिस अवर निरीक्षक परमेश्वर महतो दल बल के साथ बढ़ीटोला पहुंचे और सड़क पर नाले का पानी बहाने वाले लोगों को जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही इन्होंने लोगों को प्रखंड कार्यालय में नाले के निर्माण को लेकर आवेदन देने की बात कही। मुस्लिम मोहल्ला में नाली की समस्या को लेकर लोगों ने गांवा थाना को आवेदन दिए थे। सुबह में कुछ लोगों ने आपस में झमेला कर रहे थे, जब मुझे पता चला था हम वहां पर पहुंचे और लोगों को शांत करवाए। उसके बाद लोगों ने थाना में जाकर आवेदन दिए कि हम लोग का नाली का पानी जाम हो चुका है, तो नाली का निकासी नहीं रहने के कारण यहाँ पर पानी जाम हो रहा है। और जो पूर्व का जो पहले के जो नाली बना हुआ सर्वे के द्वारा, उस नाली में मात्र 180 फीट का सड़क है जिसको बीच में कटिंग करके पूर्व का नाली को इसमें जोड़ दिया जाएगा तो पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। बस यही एक समस्या था हमारी इस मुस्लिम मोहल्ला का और इसी को लेकर लोगों ने विवाद पैदा किया था जो अभी थाना के द्वारा सुलझाया गया। आज दिनांक 3/1/2020 को गांवा थाना के लोग थाना में जाकर लिखित आवेदन दिए जिसमें नाली का पानी निकासी की बात उल्लेख था। वो आकर स्थल पर जांच पड़ताल किए थे। सभी घरों का पानी की निकासी रोड पर है और एक जगह ऐसा नाला बना हुआ था जहां रोड नाला को जाम कर दिया गया है, वहां पानी बहुत काफी ज्यादा मात्रा में जमा था। तो अभी फिलहाल उस पानी को पूर्व की तरह जाने का आश्वासन दिया गया और एक छोटा सा ही गली है जिसमें 50-60 फीट या 80 फीट लंबाई होगी, उस फीट को सुझाव दिया गया कि भाई इसको किसी फंड से उसको नहीं, अगर दोनों साइड से कोई कोड़ने नहीं दे रहे हैं तो बीचों बीच उसको फाड़ के रास्ता को पीसीसी को और उसका नाली का निर्माण करके जो एक सार्वजनिक नाली पहले से बना हुआ है उस पर जोड़ देंगे और उस पर जो है स्लैब बैठा के रास्ता का निर्माण कर देंगे। तो इस बड़ी नाली जो पूर्व से बनी हुई है उसे ज्वाइंट होने के बाद इस तरह का विवाद जो है दूर हो सकता है, क्योंकि सभी घर का पानी बड़े नाली से जाती है तो वो पानी भी इस नाली से चला जाएगा और जो दूसरे मोहल्ला में पानी जाती है वो भी सूखा माने ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी फिर। और अपना अपना घर का पानी की निकासी जो है रोड पर नहीं करें, ये सुझाव दिया गया कि पनसोखा का निर्माण कीजिए और उस पर डालिए, तो फिर देखा जाएगा आगे फिर जैसा।